धान लगा दिया रे। सीढ़ी नहीं बनाना, दिक्कत है। हाय फ्रेंड, मैं हूँ रंजीत कुमार देवरी। मेरा यूट्यूब चैनल है आरके इलेक्ट्रिकल बोर्ड। मैं आपको दिखाता हूँ ये इलेक्ट्रिकल स्लैब वायरिंग है कैसे किया जाता है। स्टार्ट। आइए फ्रेंड, हम आपको दिखाते हैं पहले स्टार्टिंग कैसे किया जाता है स्लैब वायरिंग का। जो मेन पाइप कहाँ से आता है, कैसे आता है, वो स्टार्टिंग कैसे किया जाता है मैं आपको दिखाऊंगा। आइए चलते हैं, हम देखते हैं कैसे स्टार्टिंग हुआ है। आइए, देखिए फ्रेंड, ये हो गया है अपना मेन पाइप। मेन जो जहाँ पे अपना एमसीबी मतलब पैनल रूम बैठेगा वहीं से आया है, और वहीं से स्टार्ट किया है हम। और यहाँ से हम डंपर बॉक्स देंगे, और उसी से हम मेन डीबी जितना हम डीबी है मतलब मेन एमसीबी बॉक्स जो रूम के लिए डिवाइड होता है वहीं पे ये पाइप गया है। देखिए ये इस तरह होके आया है, हम कलम का बीच में लेके आते हैं, और ये वहाँ से पूरा डायरेक्ट गया है अपना एमसीबी बॉक्स जो रूम के लिए डिफेंड होता है वहीं तक गया है। रहा है। और वहीं से किससे होता है मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए फ्रेंड। आइए, देखिए फ्रेंड, ये हो गया अपना एसएलडी, अपना मेन एमसीबी जहाँ पे लगा हुआ है, एमसीबी रूम है, उसी रूम से जो मेन पाइप आया है तो वहाँ पे आया है। और यहाँ से कैसे रूम वाइज डिफेंड होता है मैं आपका बता रहा हूँ। और ये है अपना एसएलडी भी, वहीं से ही रूम वाइज डिफेंड होगा, वो एमसीबी का थ्रो है जाएगा, हम बता रहे हैं आपको। देखिए देखिए, ये एसएलडीवी से एक पाइप आया इधर जो रूम का मेन बॉक्स होता है ना, और मेन बॉक्स से ये आया है एक फैन बॉक्स में। ये बड़ा रूम है, इसके लिए हम दो दो फैन बॉक्स बैठाया है, और ये एक फैन बॉक्स और उधर कम पर्सन में एक फैन बॉक्स है। जो बड़ा रूम है इसलिए दो फैन बॉक्स लगा हुआ है, और ये फैन बॉक्स आ गया अपना मेन पाइप, और वहाँ से गया लाइटिंग। ये है आपका लाइटिंग बॉक्स जहाँ पे रूम के लिए अटैच हुआ है, ये आपका लैट्रिन बाथरूम जहाँ पे रूम के लिए आपका अटैच हुआ है, और उसका आया उधर जंक्शन बॉक्स दिया हुआ है, उसी बॉक्स से आएगा आपका दीवार का साइड में जहाँ आपका बोर्ड लगेगा, और वहाँ पे आपका बोर्ड लगेगा उसका बाहर में, और वहाँ से पार्टीशन होकर रहेगा आपका बाथरूम, और यहाँ से आप बाहर स्विच चालू करेगा तो वो आपका ऑपरेट होगा, बाल दियार गिजर या कुछ भी हो। देखिए फ्रेंड, ये जो फैन बॉक्स है, ये फैन बॉक्स आपका कनेक्शन हो गया, तो उसका थ्रू में आपका मेन वायर जाएगा उसी फैन बॉक्स में, और ये जो पाइप है ये पाइप आ गया आपका उसी दीवार पे
जहाँ पे आप बेड लगाएंगे ना, बेड का अपने बेड के लिए बोर्ड बैठेगा जहाँ पे आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं या टू ए स्विच लगा के भी ऑपरेट कर सकते हैं, अगर अगर कुछ आपका सब वहीं पे सुविधा रहेगा। और ये क्योंकि ये बेड है तो वहाँ पे ये गेस्ट हाउस है जेहेतु, इसके लिए आपका तीन बेड बैठेगा, तीन बेड लगेगा। अपना ड्रॉइंग में तीन बेड लगाने के लिए सिस्टम दिया गया है, तो एक दो तीन, तीन बेड के लिए तीन पर तीन बोर्ड रहेगा। तो हम इधर एक बोर्ड पाइप छोड़ दिए और उसी टंग टेन बॉक्स और एक पाइप उधर छोड़ दिए, इसके लिए अपना दो बोर्ड उधर एक उधर एक, तो उसी बोर्ड से हम मिडिल में एक बोर्ड ले सकते हैं, नहीं तो उसी बोर्ड से भी हम एक बोर्ड मिडिल में ला सकते हैं, जिसके लिए हमारा दो बेड लगेगा, वो बेड के लिए बोर्ड से ही रहेगा। और इस साइड जो दिया है ये वाला देखिए, ये वाला जो दिया है ये उधर का एक ट्यूबलाइट रहेगा और उसका जो एसी पॉइंट रहेगा वहीं पे रहेगा, देखिए। तो इसके लिए हम एक पाइप डाल के रख दिए हैं। देखिए फ्रेंड, एक रूम जैसा है उसका जो पाँच पाँच दस रूम बना हुआ है ना, वो सेम है, उसका सेम डिजाइन बना हुआ है। और हम आपको दिखा रहे हैं एक बड़ी चीज़ है, देखिए जो तो तीन पाइप हम खड़ा किया है, ये ऊपर जो बिल्डिंग बनेगा ना उसके लिए दिया हुआ है। मान लो कुछ भी हो, तार फार वो वहाँ से आ नहीं सकता है, हो नहीं पाएगा, तो उसी पाइप से हम टोटल जो SLDP बैठेंगे उसी पे हमारा कनेक्ट कर रहेगा ये, इसलिए हम ये तीन पाइप लगा हुआ है। उसका नीचे भी ऐसे लगा हुआ है क्योंकि ये हम सेकंड फ्लोर में है, फर्स्ट फ्लोर जैसा ही है, सेकंड फ्लोर भी ऐसा ही, उसके ऊपर और एक फ्लोर बनेगा जिसकी वजह से उसको कनेक्ट करने के लिए SLDP में ये पाइप छोड़ा गया है। देखिए फ्रेंड, ये बड़ा बिल्डिंग है इसलिए हम एक रूम का आपको बता दिया है, और टोटल तो एक एक रूम के लिए हम बता नहीं सकते, लेकिन हम आपको दिखा दे रहे हैं उसका नज़ारा, और ये बिल्डिंग पूरा घुमा के हम आपको दिखा दे रहे हैं। हाला वो जो टू पार्ट करके अपलोड करेंगे क्या, फ्रेंड मैं आपको और एक चीज बता रहा हूँ, जो कॉरिडर है तो इस पर भी कमरा है, इस पर भी कमरा है, तो मौजी का जो कॉरिडर है हम आपको दिखाएंगे, जो उसमें तो कितना लाइट लगा हुआ है और उसका ऑफिटिंग कैसे रहेगा और इसके लिए कैसे पाइप डला हुआ है, आइए हम दिखाते हैं आपको कॉरिडर का लाइट के बारे में। देखिए ये हो गया आपका कॉरिडर है, और वहीं से आपका चार पॉइंट दिया हुआ है और यहीं से तीन पॉइंट दिया हुआ है, तो उसका कनेक्शन हम SLDP से, देखिए उसका कनेक्शन हम SLDP से एक पॉइंट छोड़ा इधर और एक पॉइंट छोड़ा उधर, तो उसके लिए उधर भी जाएगा, उसके लिए इधर भी आएगा। मान लो आप उधर से सीढ़ी चढ़ के आ रहे हैं तो वहीं से आप अनअप कर सकते हैं, और इधर भी सीढ़ी है, देखिए इधर भी सीढ़ी है फ्रेंड, तो उस सीढ़ी से भी, इस सीढ़ी से भी आप आ रहे हैं तो वहीं से भी आप अपग्रेड कर सकते हैं। उसका टू वे स्विच रहेगा, उधर एक बोर्ड रहेगा और उधर भी एक बोर्ड रहेगा, देखिए इधर भी पॉइंट दिया हुआ है, इधर भी एक बोर्ड रहेगा और उस साइड भी एक बोर्ड रहेगा, इसके लिए कोई भी आदमी आ रहा है उसके लिए आसान होगा, इधर से आ रहा है इधर से ऑन ऑफ कर सकता है, उधर से आ रहा है उधर भी ऑन ऑफ कर सकता है। देखिए फ्रेंड, हम काम करते वक्त आपको दिखा नहीं पाए क्योंकि अपने पास बंदे कम थे, और छोटा सा काम हम जब काम कर रहे थे, वीडियो बनाए थे, वो वीडियो भी हम आपको दिखा देंगे, और काम खत्म हो गया और वो वीडियो हम आपको हम दिखा रहे हैं क्योंकि अर्जेंट काम था, ये बिल्डिंग कंप्लीट होने था, आज दिवाली है इसके लिए बंदे छुट्टी थे, इसलिए काम सब चला गया बंदे, इसलिए काम नहीं हो पाएगा, और कल ढलाई का काम हो जाएगा, इसके लिए हम कम आदमी से काम किए, तो तत्पर से जो जल्दी में काम किए इसीलिए काम करते वक्त हम वीडियो बना नहीं पाए, इसीलिए आपको दिखा रहे, जो काम हो गया उसके बाद हम आपको दिखा रहे ये वीडियो, और एक एक पॉइंट आपको समझा भी दे रहा है।